जय श्री महाकाल। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी स्वस्तिक पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ उज्जैन से। हमारे समस्त हिंदुओं को इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हम सबको जान लेना चाहिए कि भारत का धर्म निरपेक्ष संविधान किसी भी धर्म को भारत के राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, यानी भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 एवं 15 हमको समानता का मूल अधिकार देते हैं तथा अनुच्छेद 26 सभी धर्म संप्रदायों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान स्वयं में धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी पूरे देश में 4 लाख हिंदू मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। अन्य किसी भी धर्म के कोई भी धर्म स्थल सरकार के नियंत्रण में नहीं है। स्पेशली मुस्लिम संपत्ति के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, उसके अंतर्गत वह संचालित होती है और जितने भी गुरुद्वारे हैं वो श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा संचालित हैं। दिल्ली के लिए अलग से प्रबंधन कमेटी बनी है गुरुद्वारों की, और जितने भी चर्च हैं वो चर्च और गिरजाघर घर जितने भी हैं वो सब स्वशासित हैं। कहूँ कि आखिर हिंदुओं के साथ ही यह भेदभाव क्यों है, इसका एक ठोस आधार है मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1925, जिसे सभी धर्मों के लिए बनाया गया था, लेकिन मुसलमानों के और ईसाइयों के विरोध के बाद उसी को परिवर्तित करके उसमें सुधार करके मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के रूप में कर दिया गया, और तभी से उसका दुरुपयोग करते करते बात यहाँ तक आ गई कि आज हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रतिलाल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी कानून द्वारा धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप अनुच्छेद 26D का उल्लंघन है, 26D का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन संप्रदायों का मौलिक अधिकार है और इसे कोई दूसरा कानून बनाकर नहीं छीना जा सकता। दूसरे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, वो चिदंबरम मंदिर प्रकरण में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एक समावेशी मंदिर प्रबंधन कानून बनाकर सभी मंदिरों को उनके मूल संप्रदायों को वापस करे। इससे सरकार का पंथ निरपेक्षतापूर्ण आचरण बनेगा तथा हिंदुओं को बाकी मतों के समान अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार भी मिलेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में सरकार को किसी धर्मस्थल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना भी पड़े तो उसे तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के बाद वह संबंधित समाज को पुनः वापस कर देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने इस निर्णय को बड़ी गंभीरता से स्वीकार कर लिया है। मैं समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब आप भी जागृत हो जाओ और इन्हीं निर्णयों को आधार बना करके पूरे देश में हिंदू मठ मंदिरों की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के आप आवाज़ उठाएं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के प्रकरण में एक बहुत सुंदर निर्णय लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एक समावेशी मंदिर प्रबंधन कानून बनाकर सभी मंदिरों को उनके मूल संप्रदायों को वापस करें। इससे सरकार का पंथ निरपेक्षतापूर्ण आचरण बनेगा तथा हिंदुओं को बाकी मतों के समान अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में सरकार को किसी धर्मस्थल का नियंत्रण लेना भी पड़े तो उसे तात्कालिक समस्या के निराकरण के बाद वह संबंधित समाज को पुनः वापस करना चाहिए। मैं इसी मांग को विगत अनेकों वर्षों से उठाते हुए चला रहा हूं। मुझे इस निर्णय की बहुत प्रसन्नता है और खुशी की बात यह भी है कि तमिलनाडु सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए लागू भी कर दिया है। अब मैं कहना चाहता हूं कि बात बिल्कुल सही है
कि इस देश में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, मुस्लिम संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अलग से वक्फ बोर्ड है, और सारे चर्च एवं गिरजाघर स्वशासित हैं। तो आखिर हिंदुओं के ही करीब 4 लाख मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी एक बहुत सुंदर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रतिलाल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे प्रकरण में दिया था। उसमें कहा था कि किसी कानून द्वारा धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप अनुच्छेद 26D का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन संप्रदायों का मौलिक अधिकार है और इसे कोई दूसरा कानून बनाकर छीना नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वह कानून से चलता है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों को गंभीरता से लेते हुए हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करे, और इसके लिए हमारे समस्त हिंदुओं को एक साथ सामने आना चाहिए। धन्यवाद।